हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है आपके स्टेटमेंट इन्फ्रेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं या फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन में जो क्वेश्चन आते हैं। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पास पास है, इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी आपको समझना चाहिए कि अगर इन्फ्रेंस पूछा है तो उस पर आपको क्या आंसर देना है एंड कंक्लूजन पूछा है तो उसमें क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों में। सो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे एंड देन हम इन सब के क्वेश्चन भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट से रिलेटेड पूरी सीरीज स्टार्ट की है। अभी मैंने आपके साथ स्टेटमेंट अजम्पशन डिस्कस किया था इससे पहले, फिर मैं इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन, देन कोर्स ऑफ एक्शन, सभी हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले आप नव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। बेल आइकन क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलते, तो इसको अगर आपने एक बार क्लिक किया हुआ है देन आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेंगे जैसे ही न्यू वीडियो आएगी, ठीक है। एंड शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक व्हाट्सएप एक्सेट्रा पे। सो बेसिक डिफरेंस इन्फ्रेंस और कंक्लूजन में क्या है। इन्फ्रेंस का मतलब कि लॉजिकली जो डिराइव होता है, ठीक है, आप अगर समझोगे तो मैं बताऊंगी एक एग्जांपल देकर कि इन्फ्रेंस इज इनडायरेक्टली डिराइव्ड। ये इनडायरेक्टली डिराइव होता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि जो स्टेटमेंट लिखी है उससे डायरेक्टली वही मतलब निकल रहा हो, लेकिन जो स्टेटमेंट गिवन है उससे इनडायरेक्टली उसको अपना माइंड से समझ के, दिमाग लगाकर, लॉजिकली समझ के, अपने माइंड को लॉजिकली यूज़ करके वो डिराइव किया जाता है, उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस। देन कंक्लूजन, वट कैन बी डायरेक्टली कंक्लूडेड, जो उस स्टेटमेंट को देख कर डायरेक्टली कंक्लूड किया जा सकता है कि हाँ इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है। वट कैन बी डायरेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम, या फिर उससे डायरेक्टली कुछ इन्फर्ड हो रहा है तब भी वो आपका कंक्लूजन कहलाएगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इन दोनों को। इन्फ्रेंस का मतलब होता है लॉजिकल डिराइवेशन, मतलब लॉजिकली हम कुछ डिराइव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला ए इज बी, ए बी है, एंड देन सेकेंड स्टेटमेंट में आपको बोल दिया बी इज सी, बी सी है। सो इससे डायरेक्टली क्या ये दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट है, सिर्फ इतनी ही स्टेटमेंट है। आपको क्या इससे डायरेक्टली दिख रहा है कि ए सी है? नहीं, हम लॉजिकली इसका बता सकते हैं कि ए इज सी, इसको हम लॉजिकली ज़रूर बना सकते हैं, ऐसे इसका लॉजिक ज़रूर बना सकते हैं। अगर ये ए इज़ बी है देन बी इज़ सी है तो ए सी होगा, ये हम इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि ऐसा होगा। देन कंक्लूजन को समझते हैं। कंक्लूजन क्या होता है, क्या फाइनल आउटकम है, फाइनल आउटकम ऑफ रिजल्ट। सो फाइनल आउटकम और रिजल्ट, ये क्या होता है, जो उसका निष्कर्ष निकला। सो अगर हम देखेंगे, मान लो ए बी सी कुछ गिवन है, ठीक है, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा है, तो इसका मतलब देयर फोर ये ऐसी है, मतलब डी इज दिस, अगर ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसका मतलब कि ये निकला, ये रिजल्ट निकला, ठीक है। अगर आपका इन्फ्रेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इन्फ्रेंस में क्या गिवन है आपको, कुछ बेसिस गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, कुछ बेसिस, उसके बेस पे आपने कोई लॉजिक अपना लगाया दिमाग का कि इसमें ऐसा गिवन है तो अच्छा इसका मतलब ऐसा हो सकता है इसका, एंड देन आपने कुछ डिराइव किया, ठीक है, डिराइव किया। सो ये आपका आ गया इन्फ्रेंस में, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसका अंदर जो आप रिजल्ट चाहते हो वो आएगा, जो इसका फाइनल आउटकम होना चाहिए, जो रिजल्ट निकलना चाहिए, ठीक है, वही इसका कंक्लूजन होगा। इन्फ्रेंस को आप ये भी कह सकते हो कि ये एक निष्कर्ष आप खुद निकाल रहे हो, ठीक है, इसके अंदर स्टेटमेंट में डायरेक्टली कुछ नहीं गिवन, आप जस्ट अपना लॉजिक इस्तेमाल करके कोई निष्कर्ष निकाल रहे हो। सो ये तो हो गया आपका निष्कर्ष, और जो कंक्लूजन है वो क्या होता है, जो होना चाहिए। सो ये आपका होता है कंक्लूजन, उसका वांटेड रिजल्ट, जो आप उसका रिजल्ट चाहते हो वो डायरेक्ट फाइनल आउटकम, जो डायरेक्टली उस स्टेटमेंट से पता चल रहा है और वही आंसर निकल रहा है, उसका आउटकम निकल रहा है, दैट इज़ कंक्लूजन। लेकिन अगर वो डायरेक्टली नहीं निकल रहा, आप अपने लॉजिक से कुछ, अपनी समझ से, दिमाग लगाकर कुछ निकाल रहे हो, अपने लॉजिक लगा रहे हो वहाँ पर, फिर उसमें कोई डिराइव कर रहे हो, जैसे मैंने बताया अगर ए बी है, बी सी है, तो आपने डिराइव कर दिया कि बी
सॉरी ए सी ही है. आपने यहाँ पर इन्फ्रेंस यूज किया, लॉजिकल थिंकिंग अपनी यूज की, लेकिन कुछ क्वेश्चन में दिया है उसके बेसिस पे एक निष्कर्ष, एक निचोड़ अगर आप निकलता है, सो जो कंक्लूजन हो सकता है 101% हो सकता है, दैट इज कंक्लूजन. वहाँ पे कोई शक की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन यहाँ पे भी नहीं होती, बट ये आपका खुद के लॉजिक से निकलता है. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यहीं पे हम आज की क्लास कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट मैं जब समझाऊंगी आपको तो आपको सब समझ आ जाएगा कि इन्फ्रेंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, क्योंकि बेसिक ज़रूरी था, बाद में ही हम उसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हैं. मुझे आप फेसबुक पेज पे ज़रूर फॉलो करना, फेसबुक पेज लाइक करना एंड ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, ताकि दूसरे जो लेसन होते हैं मेरे जो यहाँ अवेलेबल नहीं है वो भी आपको मिल जाए. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स.